फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको कोर्स 501 ब्लॉक 9 के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और आपने हमारे चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस प्रथा को कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया। पहला ऑप्शन है अप्रश्यता, दूसरा ऑप्शन निष्पक्षता, तीसरा ऑप्शन है आ वा बा दोनों, और जो चौथा ऑप्शन है वो इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर जो है वो पहला है। और ये ऐसा अनुच्छेद 17 में बताया गया था, अनुच्छेद 17 के द्वारा इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा तथा आर्थिक विकास का दायित्व किसका है। तो इसका जो ऑप्शन जो है, पहला केंद्र का, दूसरा राज्य का, तीसरा ऑप्शन है केंद्र व राज्य दोनों का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जनजातीय लोगों के कल्याण की चिंता संविधान के अनुच्छेद 46 में प्रतिबिंबित हुई है, जिसके अनुसार यह बताया गया, उसमें ऐसा स्पष्ट है कि लोगों का जो शैक्षिक, मतलब जो अनुसूचित जनजाति हैं, इनका शैक्षिक और आर्थिक विकास का दायित्व जो है वो राज्य का ही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गुणवत्ता संशोधन कार्यक्रम महाराष्ट्र के कितने जिलों में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो 3 है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार जो है, उसने जनजातीय विकास विभाग के अनुरोध पर आश्रम स्कूलों में विज्ञान व गणित शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम का उसने संचालन जो था वो 1993 से 97 के बीच होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र के द्वारा 3 जिलों में किया, जो कि महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा ऑप्शन क्वेश्चन ये है कि गुणवत्ता संशोधन कार्यक्रम का फोकस किस पर था। पहला ऑप्शन है क्षमता विकास, दूसरा ऑप्शन है अध्यापक प्रशिक्षण, तीसरा है बालकों के मध्य अन्योन क्रिया और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो उपयुक्त सभी है। गुणवत्ता संशोधन कार्यक्रम का जो फोकस था वो केवल 3 चीज़ों पे था। पहला क्षमता विकास, मतलब विद्यालय क्षमता विकास के संदर्भ में विज्ञानशालाओं व पुस्तकालय के विकास पर ध्यान दिया गया इसमें। और जो अध्यापक प्रशिक्षण था, अध्यापक प्रशिक्षण ये इसलिए दिया जा रहा था कि जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग थे उनके मतलब अध्यापन में जो आने वाली जो समस्याएं थी उसके लिए अध्यापक प्रशिक्षण दिया गया था। और जो बालकों के मध्य अनुन किया थी, इसमें क्या होता था कि जो बच्चों का जो समय के सदुपयोग करने के लिए, बच्चों को पारंपरिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सलाह दी जाती थी। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन जो है वो उपयुक्त सभी है। इन तीनों पे ही गुणवत्ता संशोधन कार्यक्रम का फोकस था, क्षमता विकास, अध्यापक प्रशिक्षण और बालकों के मध्य अनुन क्रिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रारंभिक शिक्षा की योजना बनाने की दृष्टि से कुछ बड़े शहरों के नगर निगमों को किस रूप में समझा जाता है। पहला ऑप्शन जिला, दूसरा ऑप्शन नगर पंचायत, तीसरा ऑप्शन कस्बा, चौथा ऑप्शन नगर पालिका। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो है जिला है। मतलब प्रारंभिक शिक्षा की योजना बनाने की दृष्टि से कुछ बड़े शहरों के नगर निगमों को जिला के रूप में समझा जाता है। इन क्षेत्रों के शैक्षिक विकास संबंधी योजनाओं के परिरूप नगर निगमों द्वारा बनाया जा सकता है और जो राज्य सरकार इनके सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इनकी फंडिंग के लिए अनुशंसा कर सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि महानगरीय क्षेत्रों में रात विद्यालय की संख्या तथा उसमें पंजीकृत बच्चों की संख्या है उच्च, मतलब ज़्यादा, कम, निम्न या बहुत ही निम्न, या चौथा जो है काफ़ी ज़्यादा। तो इसका जो राइट आंसर जो है काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए ऐसा क्योंकि आजकल शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे रात्रि विद्यालय विद्यमान हैं, महानगरीय क्षेत्रों में इन विद्यालयों की संख्या तथा उसमें पंजीकृत जो बच्चों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से गरीब बच्चे जो हैं वो विद्यालय के समय अपने काम पर होते हैं और वे नियमित विद्यालय में दाखिला नहीं ले सकते हैं, इसीलिए वह रात्रि विद्यालय में दाखिला लेते हैं। और इस प्रकार की जो शिक्षा जो है, मतलब वो ऐसी जो श्रमजीवी बच्चों की शिक्षा के अंतर्गत आती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हमारे जीवन को प्रौद्योगिकी विकास ने अत्यधिक रूप में प्रभावित किया। तो ये कथन आपको बताना है कि ट्रू फॉल्स में बताना है, तो गलत है या सही है। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि विद्यालय समाज का एक भाग, ये आपको बताना है ट्रू या फॉल्स में बताना है। तो ये जो कथन जो है वो बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि होमी भाभा विज्ञान केंद्र, जो विज्ञान तथा गणित की शिक्षा के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक राष्ट्रीय केंद्र है, ये कथन सही है या गलत है। तो ये कथन बिल्कुल ही सही है, क्योंकि होमी भाभा विज्ञान केंद्र, जो विज्ञान तथा गणित की शिक्षा के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक राष्ट्रीय केंद्र है, जिसने हाल में ही
निःशुल्क ज्ञान संसाधन विकसित करना आरंभ किया है। अगले चरण में यह जो है विद्यालयों के लिए मुफ्त शैक्षिक संसाधनों का निर्माण करना चाहता है, जिसका उपयोग देश भर के सुदूर छोटे छोटे गाँव में पढ़ रहे विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक बच्चे से अभिप्राय क्या है जिसकी आयु हो। पहला ऑप्शन 18 वर्ष से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 16 वर्ष से कम, तीसरा ऑप्शन है 18 वर्ष से कम, चौथा ऑप्शन है 20 वर्ष से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो 18 वर्ष से कम है, क्योंकि 18 वर्ष से कम ही एक बच्चे से उसकी आयु का अभिप्राय होता है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।